यूपी के सीतापुर में रेप में असफल होने के बाद एक वैश्य दरिंदे द्वारा बालिका को जिंदा आग के हवाले कर देने से गंभीर रूप से झुलसी बालिका की इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। इस सनसनीखेज मामले को एडीसी राजीव कृष्ण ने गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्यवाही करने के निर्देश एसपी सीतापुर LR कुमार को दिए, जिसके बाद एसपी ने संपूर्ण मामले की जाँच कराई और लापरवाह चौकी प्रभारी एवं एक महिला पुलिस कर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थाने पर और चौकी पर गई थी, उसके बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, क्या पूरी घटना है जो आपके सबॉर्डिनेट ने आपको बताई है? नहीं, परिजनों के एक आरोप था, उन्होंने थाने पर भी शिकायत किया था और चौकी में भी शिकायत किया गया था, तो उस शिकायत के आधार पर प्रथम दृष्टया से ये पता किया गया है, कोई लिखित शिकायत और प्रार्थना पत्र किसी थाने में नहीं तो कोई चौकी में दिया गया था, तो पहले प्रथम दृष्टया से नहीं मिला है। फिर भी ये पता चला ये लोग आए थे, थाने में आए थे और चौकी में भी गए थे, और उसके आगे क्या कार्रवाई किया है उसको उस आरोप में COCT के माध्यम से जांच किया गया है और जांच का आदेश दिया गया है, और जांच का परिणाम पे अवश्य कार्रवाई और इनकेस किसी के ऊपर ये आरोप पुष्टि होती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। अभी तक क्या आपके द्वारा किसी लापरवाह पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई की गई? अभी तक वो प्रथम दृष्टया से एक चौकी इंचार्ज है, उनको वहाँ से हटा दिया गया है, और महिला हेल्प डेस्क में वो महिला थी उसको भी वहाँ से हटा दिया गया है, और अभी पूरा प्रकरण का कोई भी लापरवाही के बारे में और किस लेवल पर ही पुलिस के सुपरविजन और रेस्पॉन्स में कोई कमी आई है वो पूरा प्रकरण अभी एडिशनल SP साउथ के माध्यम से विस्तार से जांच किया जाएगा। क्या कोई डायल 100 का पर भी पीड़िता की मां ने कोई सूचना दी, ऐसी कोई जानकारी आपको? वो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ COCT योगेंद्र तंत्र लगातार आरोपी को तलाश कर रहा था, जैसे ही वह ट्रेस आउट हुआ COCT के महातत पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। COCT का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर शहर कोतवाली में जिसमें एक युवक के दिल जलाने का प्रकरण सामने आया था, जिसको कि जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हालत उसकी गंभीर थी जिससे कि रेफर किया गया था, देर रात उसकी मृत्यु हो गई थी। जो मुख्य आरोपी था उसको कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अब दो ही चीजें और निकल के सामने आएंगी, उनके आधार पर कार्रवाई की। बहरहाल पुलिस द्वारा तत्परता के साथ की गई कार्यवाही तथा मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जिले के नागरिकों ने राहत की सांस ली है।